जय श्री राम दोस्तों। तो आज बनाएंगे मुरादाबादी दाल। तो हमने लिए मूंग की धुली हुई दाल, जिसमें डाल देंगे पानी और फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच मिर्चा, दो चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। उसके बाद हमें इसमें तीन चार सीटी लगा लेनी है कुकर को बंद करके। हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है, अब हम देख सकते हैं। हमने कुकर निकाल दिया है ढक्कन, हमारी दाल तैयार है। अब हमें क्या लेना है, एक कटोरी में घी लेना है। उसको गैस पर गर्म करने के बाद हमें इसमें डाल देना है लाल वाले सूखे मिर्चे। उसके बाद उसे चलाते रहना है, फिर थोड़ी देर बाद गैस बंद कर देना। उसके बाद हमने अमिया ली है, जिसमें मिर्चे डाल के नमक डाल के चटनी बनाने दी है। और फिर हमने लिया है कुल्लड़, जिसमें डाल दी है दाल और अमूल मक्खन। उसके बाद चाट मसाला डाल दिया है उसमें हमने, फिर अमिया वाली चटनी डाल दी है। उसके बाद नमक डाल के हमने जो नींबू निचोड़ दिया है तो उनमें थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद जो मिर्चे थे उनको तोड़ के डाल दिया है। फिर हमें लेनी है सेमी, जिसे हाथ से फोड़ लेना है पहले, फिर हम इसमें डाल देनी है। सेमी की रेसिपी हमारे चैनल में मिलेगी आपको। और हमने लिया है फिर आलू की भुजिया रेडीमेड वाली, वो डाल दी। इसमें स्पून लगा देंगे। हमारी रेसिपी तैयार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। जय श्री